हम क्या करेंगे, एक स्विच के ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉन्फ़िगर करेंगे। पहले तो हम स्विच का नाम को अपने नाम से रिप्लेस कर लेंगे, चेंज कर देंगे। उसके बाद हम एक VLAN क्रिएट कर लेंगे, देन आफ्टर दैट हम स्विच का वर्जन चेक करेंगे। सो हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायर्ड है, जो रिक्वायर्ड चीज़ें यहाँ पे लिखे हैं। सिस्को पैकेट ट्रेसर बेसिकली एक एप्लीकेशन है जो कि नेटवर्किंग की डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर आप कन्फिग्रेशन कर सकते हैं, नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं, उसको आप टेस्ट कर सकते हैं। राइट, स्विच चाहिए, हमें एक यूजर इंटरफेस चाहिए जहाँ पे हम स्विच एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकें। इसकी जो तमाम सोल्यूशन है यहाँ पे मैंने लिखे हुए, हम CLI कमांड के थ्रू इसके नाम को चेंज कर लेंगे। जो CLI कमांड यहाँ पे टाइप किए हैं नाम चेंज करने के लिए, वो आप देख लें। तो हम जल्दी से खोलते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर। यह हमारे पास सिस्को पैकेट ट्रेसर का इंटरफेस है। यहाँ पे लेफ्ट बॉटम में आप देख लें तो यहाँ पे डिवाइसेस नेटवर्क के नाम से, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नेटवर्क डिवाइसेस पे क्लिक करना है। इसी के नीचे आपके और भी ऑप्शन आ रहा होगा, राउटर, स्विचेस, आपने स्विचेस पे क्लिक करना है। तो राइट साइड पे स्विचेस आपके पास आ रहे हैं डिफरेंट टाइप के, जो भी स्विच आप लेना चाहें ले लें। तो मैं ये स्विच उठा रहा हूँ, तो ये हमारा गया स्विच। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, इसका सेटिंग सामने खुल जाएगा। आप CLI कमांड पर क्लिक करेंगे तो ये बूट होने के लिए कुछ टाइम लगेगा, तो हम वेट करते हैं। तो हमारे सामने बूट हो गया है। अब मैं एंटर करूँगा तो बेसिकली डिफॉल्ट जो स्विच नेम है हमारे पास स्विच के नाम से, तो पहला हमारा कमांड है एनेबल, हमने इनेबल कर दिया। उसके बाद करना है टर्मिनल, अभी टर्मिनल कन्फिगर हो गया। अब हम नाम चेंज करने के लिए लिखेंगे होस्ट नेम, अपने अपने नाम से चेंज करूँगा। सो जिस नाम से आप चेंज करना चाहे वो नाम आप यहाँ पे लिख लें। उससे पहले होस्ट नेम इसका कमांड है, हमने टाइप करके एंटर किया। तो यहाँ आप देख लें इसका स्विच का नाम चेंज हो गया। देन आफ्टर दैट हमें क्या करना है, एंड राइट मेमोरी है बेसिकली, आपकी मेमोरी के अंदर राइट कर देगा। फिर हम VLAN क्रिएट के लिए यहाँ पे मैंने तमाम कोड लिखे हुए, आप देख लें एक दफ़ा। हमें फिर वही करना है, इनेबल करना है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करना है, VLAN का नंबर यहाँ पे देना है, फिर नेम, फिर VLAN का नेम देना है, देन एंड देन राइट मेमोरी। सो VLAN नेम है बेसिकली, सॉरी VLAN नंबर ID, एक इसकी स्पेसिफिक रेंज होती है हमारे पास, वो होता है 1 से लेकर 4094 तक होता है। राइट, यानी कि 4094 तक इसकी रेंज होती है। इसमें आप कोई सा भी VLAN ID दे सकते हैं, नेम आप जो चाहे दे सकते हैं। तो हम जल्दी से इसको करते हैं। अब हम पहले चेक करेंगे कि VLAN हमारे पास है या नहीं है। राइट, उसके लिए शो VLAN, सॉरी VLAN ब्रीफ। यहाँ पे आप देख लें हमारे पास कोई VLAN नहीं है जो यहाँ पे लिखे गए हैं, कुछ है लेकिन अभी हम क्रिएट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एनेबल क्या, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राइट, VLAN की ID हम यहाँ पे देंगे 12, नेम में यहाँ पे दूंगा SMIU, VLAN आ गया, देन एंड राइट मेमोरी। अब हम चेक कर लेंगे शो, तो यहाँ आप देखिए हमारे पास VLAN सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, तो ये आप देख सकते हैं। अब वर्जन चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल सा काम है, शो वर्जन, वर्जन लिख लिया, तो यहाँ पे इसका गया वर्जन। तो ये हमारा टास्क है जो हमने कर दिया है। दूसरी चीज़, कॉन्फ़िग के अंदर जाके आप नाम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं होस्ट नेम। तो ये हमारा टास्क है, ये हमने कर दिया है। थैंक यू वेरी मच।